जब बहुमत वाली सरकार होती है, प्रजा देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है, तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए, ये 1947 से हर सरकार ने विचार किया है। लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी। और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे 4 दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए और पैसे पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था और 2014 में भी था। और आपने कहा था कि वो भी आप ये 3 साल कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। 4 में भी कहा कि 3 साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, 4 में कहा था। वही बात 9 में कही, वही बात 14 में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था, यानी आइडिया नया है। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे, लिख दिया। 2004 से शुरू क्या काम आपने, 2014 में पहुंचते पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे, आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मजाक था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई, लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती तो हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं, अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो नहीं। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा, अगर सच वो बचा होता तो उसकी आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में
अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है जी। कांग्रेस 55 साल सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव, और जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 2400 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं।